देखो। चलिए, ऑनलाइन स्कूल स्टडी में आपका फिर स्वागत है। एक बार पहले स्वागत था, आते ही कर दिया था, जब ऑनलाइन बढ़ दिया तो फिर स्वागत है। चलिए कोई बात नहीं। कल अपन क्या कर रहे थे? यूरोप में क्रांतियां 1848 तक कुछ बातें मैंने बताई थी। पोलैंड पोलिस की भाषा के बारे में मैंने बताया था, ठीक है ना? स्थानीय बोलियां का, ऐसी बात हुई थी कि नहीं हुई थी? आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयां लेकर आया था। क्या भारी कठिनाई? 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि। क्या हुआ? जबरदस्त वृद्धि। ज्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वाला की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। समझ में आ रही है? क्यों? जनसंख्या बढ़ गई। ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियां में रहने लगी। नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीना से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। आपको पता है औद्योगिक क्रांति कहां से शुरुआत हुई? इंग्लैंड से। समझ में आ रही नहीं आई? तो एक तो इधर से जनसंख्या में वृद्धि, ठीक है ना? इधर औद्योगिकरण के कारण उत्पादन में वृद्धि, और औद्योगिकरण के कारण मशीना का ज्यादा उपयोग हुआ उत्पादन के साधना के रूप में, ठीक है? तो श्रम की उपयोगिता कम हुई। महाद्वीप को इस ये प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि इसका उत्पादन मुख्यतः घर और छोटे कारखाने में होता था, केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। यूरोप के उन इलाका में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कुलीन वर्ग समझते हो ना? कर्षक सामंती शुल्क और जिम्मेदारियां के बोझ तले दबे थे। खाने पीने की चीजों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने के शहर और गांव में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। ये कुछ कारण थे जो 1830 का बहुत बड़ा मामला बना। उसी तरह 1848 भी ऐसा ही वर्ष था। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। समझ में आ रही है? 1830 में फ्रांस के बुर्बो वंश को शासक को हटाकर किसको बनाया? फिलिप को। गुड। जगह जगह अवरोध लगाए गए, लुई फिलिप को भागने पर मजबूर कर दिया। किसने? जनता। राष्ट्रीय सभा ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। रोजगार की गारंटी। ध्यान रखना, किसी भी नवोद्भित राष्ट्र में, आधुनिक विश्व में, सबसे पहले अगर कहीं रोजगार की गारंटी का उल्लेख मिलता है तो फ्रांस में मिलता है 1848 की क्रांति के पश्चात। सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार, महिलाएं सम्मिलित नहीं। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरा ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम बहुत कम थे। ऐसा भारत में भी प्रचलित किया। कच्चा माल उपलब्ध करवाते थे ब्रिटिश व्यापारी, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी, ठीक है ना? और पेशगी की रकम देते थे और बदले में निर्मित माल वो लेते थे। पर प्रॉब्लम क्या थी? दाम बहुत कम थे।
भारत में ये प्रथा ददनी प्रथा कहलाती थी। क्या कहलाती थी? ददनी। ये ददनी वही थी। पत्रकार, एक पत्रकार है विलियम वॉल्फ, वॉल्फ वेडिया को भी बोलते हैं, ने सिलेशिया के एक गांव की घटना इस प्रकार बयान की है। इन गांव में सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक है। श्रमिका की हालत खस्ता है। काम के लिए बेताब लोगों का फायदा उठाकर ठेकेदार ने बनवाए जाने वाली माल की कीमतें गिरा दी। अब ये क्या होता है कि एक्चुअली में डिमांड और सप्लाई का बात है। अगर श्रमिक ज्यादा है तो जो काम करने वाले ठेकेदार है वो सस्ते से सस्ता श्रमिक ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो शोषण तो अल्टीमेट श्रमिकों का ही। और 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरा की एक भीड़ अपने घर से निकली और 2 कतारा में चलते हुए ठेकेदार की कोठी पर पहुंचे। वे ज्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियां दी गई। इसके बाद ये भीड़ घर में जबरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर, चीनी मिट्टी की बनी नफीस चीजें तोड़ दी गई। एक अन्य गुट ने भंडार गृह में घुसकर कपड़े के भंडार को लूटकर उसे तार तार कर दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव में भाग गया। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव ने शरण देने से इनकार कर दिया। वो 24 घंटा बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा। इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी। 1848। यहाँ आपको ये सोचकर अजीब लगेगा कि इस कहानी का क्या मतलब। ये कहानी एक्चुअली में उस दशा का वर्णन करती है कि जब उदारवाद ने, उदारवाद के तहत जो व्यापार वाणिज्य पनपा, ठीक है ना, और एक पूंजीपति वर्ग जो निर्मित हुआ उसके कारण श्रमिक वर्ग का कितना बड़ा शोषण हो रहा था, ठीक है ना। हम उदारवाद के बारे में तो बात कर रहे हैं ना, तो उसके कारण ये चीजें। चलिए 1848 उदारवादियों की क्रांति। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसके समानांतर पढ़े लिखे मध्यम वर्ग की एक क्रांति भी हो रही थी। यानी कि जो निम्न वर्ग गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी से तंग आकर जो विद्रोह कर रहे थे, उसी दरमियान मध्यम वर्ग अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए भी संघर्ष कर रहा था। बात ये सोचनी है और ध्यान रखना, क्रांति हमेशा मध्यम वर्ग की करता है। कुलीन वर्ग को कोई मतलब कहीं दिक्कत होती नहीं है, निम्न वर्ग को सोचने का समय है नहीं, मध्यम वर्ग ही क्रांतियां करता है। आज तक भी जो भी क्रांतियां हुई वो मध्यम वर्ग ने की है। फरवरी 1848 की घटना से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों को सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहां के उदारवादी मध्यम वर्ग के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। ये राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आजादी जैसे संसदीय सिद्धांत पर आधारित थे। यानी अपनी मांगों को, अपनी स्वतंत्रता को राष्ट्र राज्य के साथ जोड़कर उनको आगे बढ़ाया, क्योंकि राष्ट्र राज्य की कल्पना हो जाएगी तो ये जो साम्राज्य बने हुए थे, निरंकुश साम्राज्य, वो अपना आप ही टूट जाएंगे। निरंकुश साम्राज्य जो बने हुए थे ना, वो अपना आप ही टूट जाएंगे। जर्मन इलाका में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठन ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। सर्व जर्मन नेशनल असेंबली यानी कि जर्मनी के वो जितने भी छोटे बड़े राज्य थे ना, उन्होंने मिलकर कहा कि हम सर्व जर्मन नेशनल असेंबली बनाएंगे। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। ये संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। सेंट पॉल। अब आपको प्रश्न कोई पूछे
व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैंकफर्ट संसद? तो क्या कहोगे, फ्रैंकफर्ट संसद यानी जर्मन के लोगों, जर्मन के छोटे छोटे राज्य ने मिलकर सर जर्मन एक संसद बनाई थी ना, वो फ्रैंकफर्ट संसद कहलाती। कहाँ चली संसद? ये सेंट पॉल चर्च, उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलहम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के प्रतिनिधि थे। अब देखिए फ्रैंकफर्ट फेल हो रहा है। वो सारे जो छोटे मोटे गणराज्य थे उन्होंने एक प्रतिनिधियों की सभा बनाई और उसके तहत पर्सा के राजा को अध्यक्ष बनाना था, परंतु पर्सा के राजा ने उनका सहयोग दिया जो ये पसंद नहीं करते थे, अर्थात उसने अध्यक्ष बनने से ही मना कर दिया। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्यम वर्ग का प्रभाव अधिक था जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगा का विरोध किया जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। मध्यम वर्ग था तो उन्होंने श्रमिका और किसानों की मांगे स्वीकार नहीं कर सकता मध्यम वर्ग, क्योंकि एक्चुअली जैसे व्यापारी वाणिज्य मतलब ये लोग है जो कारखाने के मालिक ये लोग है तो ये तो श्रमिका के शोषण से ही तो बनाने ये वर्ग, तो ये वर्ग कुलीनों का सपोर्ट खो दिया, कुलीन उसके साथ नहीं रहे और निम्न वर्ग ने भी उनका सपोर्ट नहीं किया। अंत में सैनिकों को बुलाया और असेंबली भंग होने पर मजबूर है। ये फ्रैंकफर्ट संधि के पाप कट गए असेंबली का। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा भी विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में वर्षा से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया, महिलाओं ने अपनी राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए, राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की, इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी तब महिलाओं को केवल प्रेक्षका की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया। हालांकि 1848 की क्रांति के दौरान महिलाओं ने भी कंधा से कंधा मिलकर सहयोग दिया, परंतु जब फ्रैंकफर्ट के संसद सदस्यों का निर्वाचन हुआ तो महिलाओं को मत देने का भी अधिकार नहीं दिया गया। फ्रैंकफर्ट की संसद में सिर्फ दर्शक दीर्घा में उनको बैठने दिया। हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हुई किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाए। हालांकि इस व्यवस्था फ्रैंकफर्ट के मामले को दबा तो दिया पर पुरानी व्यवस्था यानी 1848 से पहले जो व्यवस्था थी वो काबू में वापस स्थापित नहीं हो पाए। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। अतः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजसाया ने उन परिवर्तनों को प्रारंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्र और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। ये 1848 की क्रांति का परिणाम। हैब्सबर्ग शासका ने हंगरी के लोगों को ज्यादा सहायता प्रदान की। हैब्सबर्ग साम्राज्य किसे बोलते हैं? ऑस्ट्रिया हंगरी वाले। हालांकि इससे निरंकुश मेग्यारा के प्रभुत्व का ही रास्ता साफ हुआ। चलिए जर्मनी और इटली का एकीकरण निर्माण के बारे में इसी के आगे की कड़ियां के रूप, क्योंकि मैंने जब विश्व इतिहास आपको पढ़ाना शुरू किया तो मैंने आपको बताया था सारी चेन जुड़ी हुई है, सारी चेन जुड़ी हुई। अब जर्मनी के इतिहास को फ्रांस के इतिहास से अलग नहीं कर सकते, इटली के इतिहास को जर्मनी के इतिहास से अलग नहीं कर सकते, जर्मनी को अब ऑस्ट्रिया के इतिहास से अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये सारी कारण कार्य की श्रृंखला से एक चेन जुड़ी हुई है।
ठीक है, ये राष्ट्रवाद की चिंगारी जो फ्रांस में सुलगी थी अब वो भयानक आग बन चुकी थी। उस आग के रूप में हम उदाहरण के रूप में देखते हैं, उससे पहले हमने देखा था यूनान आजाद हुआ, देखा था नहीं देखा, उसी तरह हम जर्मनी और इटली का निर्माण भी देखेंगे, ठीक है ना। जर्मनी का 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। इसमें हेडिंग लगाया गया है, क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है, इस रूप में पढ़ेंगे अपन। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। अब देखिए यहां एक और चीज आपको देखने को मिलेगी। 1848 के बाद 1848 ने यह तो फिक्स कर दिया कि इन मध्यम वर्गीय उदारवादियों के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना नहीं हो सकती, वो सफल रहे फ्रैंकफर्ट की संसद से, ये तो पता चली गया, ठीक है ना। तो अब निरंकुश राजतंत्र के सहयोग से राष्ट्र राज्य का निर्माण होने लगा। इससे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिससे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। कैसे एक निरंकुश राजतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में तब्दील होता है। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया फ्रैंकफर्ट में, मगर राष्ट्र निर्माण की उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। उनका परसा के बड़े भूस्वामियों जिनको जुंकर्स बोलते थे ने भी समर्थन किया। उसके पश्चात परसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। परसा, तो अब प्रश्न पूछा जा सकता है जर्मनी का एकीकरण किस राष्ट्र ने किस राज्य के नेतृत्व में हुआ, परसा, ठीक है ना। उसका प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क, बिस्मार्क का पूरा नाम ऑटो वॉन बिस्मार्क, इस प्रक्रिया का जनक था जिसने परसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस में से तीनों युद्धों में परसा की जीत हुई। समझ में आया नहीं, 3 युद्ध हुए थे जिसमें डेनमार्क को हराया, ऑस्ट्रिया को हराया, 1871 के आसपास फ्रांस को हराया। जनवरी 1871 में सुनना, एक और ऐसी बारूद का ढेर बन रहा है जो 1914 में जाकर फूटेगा। जनवरी 1871 में वर्षाय में हुए एक समारोह में पर्शा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। अब वर्षाय कहाँ है, फ्रांस में। नेपोलियन तृतीय शासक था, उसको हराया गया। अब वर्षाय के सीस मेल में समारोह हुआ और परसा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मन राज्य के राजकुमारा, सेना के प्रतिनिधियां, प्रमुख मंत्री बिस्मार्क समेत परसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्षाय के महल के बेहद ठंडे शीश में वर्षाय का शीश में हॉल ऑफ मिरर्स सभा ने परसा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मनी के साम्राज्य की घोषणा की। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया ने परसा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता था, ठीक है ना। कई बार तो ऐसा लगता है कि पूरा जर्मनी का विलीनीकरण हुआ परसा, होना क्या चाहिए था, परसा सहित जर्मन में विलीन होना चाहिए था, पर बिस्मार्क की नीतियां से ऐसा लगता है
जर्मनी के बाकी वाले राज्यों का विलीनीकरण हुआ है पर्सा में। पर्सा अभी 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 पर्सा नहीं मिलेगा, जर्मन जर्मन कहाँ जर्मन। हाँ, नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी और न्यायिक व्यवस्था के आधुनिकीकरण काफी जोर दिया। पर्सा द्वारा उठाए कदम और उसकी कार्रवाइयां बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना। इटली के बारे में अब देखिए, यहाँ मैंने बताया था वर्षा के शीश में हॉल ऑफ मिरर में, ठीक है ना, पर्सा के शासक को जर्मनी साम्राज्य का सम्राट बनाया गया। इसके साथ ही वर्साय की संधि हुई थी फ्रांस के साथ, जिसके साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया गया था और अल्सेस और लॉरेन के प्रदेश छीन लिए गए। अब वहां से चिंगारियां शुरू होती हैं। जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। हैब्सबर्ग ऑस्ट्रिया-हंगरी। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बंटा हुआ था, जिसमें से केवल एक सार्डिनिया पीडमांट में एक इतावली राजघराने का शासन था। सिर्फ सार्डिनिया और पीडमांट। उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग के अधीन था। मध्य इलाका पर पोप का शासन था, रोम के आसपास वाला एरिया वहां पोप। दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन था, स्पेन में बुर्बो। इतावली भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था, यानी इतावली भाषा भी सभी जगह पर समान रूप से नहीं बोली जाती थी। अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। ठीक है ना, तो क्या लगता है, मतलब इससे तो यही लगता है ना कि मतलब जर्मनी इटली शब्द केवल एक जियोग्राफिकल यूनिट के रूप में दिखाया जाता है, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब और नेपाल, यस, श्रीलंका, ये वाला पाकिस्तान सब। 1830 के दशक में जीवसेप्पे मेज़िन ने एकीकृत इतावली गणराज्य के लिए सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की, और ये मेज़िनी था जिसने इटली के निवासियों में इटली नाम का कॉन्सेप्ट डाला। इटली के निवासियों में इटली नाम का कॉन्सेप्ट डाला, बाकी उनको पता भी नहीं था कि इटली भी होगी, इटली भी होगी। उसने अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए एक यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया। 1831 और 1848 के क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता से युद्ध के जरिए इतावली राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमांट के शासक विक्टर इमानुएल द्वितीय पर आ गई। अब 1831 और 1848 की क्रांतियों से यह पता चल गया था कि उदारवादी मध्यम वर्गीय नीतियों के तहत इटली का एकीकरण नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो सार्डिनिया पीडमांट के शासक विक्टर इमानुएल द्वितीय ने यह जिम्मेदारी संभाली कि अब ताकत के बल पर इटली का एकीकरण होगा। हालांकि बहुत जटिल प्रक्रिया थी, पर अभी 9th क्लास की बात है तो थोड़ा सा एक छाया चित्र बनाते हैं दिमाग में, समझ मारेंगे। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नजरा में एकीकृत इटली के लिए उन आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। उसका मंत्री प्रमुख काबूर इटली में मंत्री सार्डिनिया पीडमांट का मंत्री था, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाला आंदोलन का नेतृत्व किया। ना तो एक क्रांतिकारी था और न ही राजतंत्र में विश्वास करने वाला। इतावली अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वो इतावली भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। कौन? काबूर। फ्रांस से सार्डिनिया पीडमांट की एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे काबूर का हाथ था, से यानी कि काबूर ने, काबूर बड़ा इंटेलिजेंट था, काबूर ने फ्रांस के शासक
अब देखिए फ्रांस के शासक राष्ट्रवाद के पोषक कहे जाते हैं, समझ में आ रही है? वो हर उस चीज को प्रोत्साहन देते हैं जिससे राष्ट्रवाद के नाम पर होता है। अब एक्चुअली बात ये थी कि उसको पता था, मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ, अंदरूनी बात जो कबूर के और मेरे बीच होती थी ना, वो बातें बताता हूँ, समझ में आई ना? कि कबूर को पता था कि सार्डिनिया पीडमांड अकेला ऑस्ट्रिया को नहीं हरा सकता और बिना ऑस्ट्रिया को हराए इटली का एकीकरण नहीं हो सकता। ऑस्ट्रिया इटली के एकीकरण के लिए बाधक था तो जर्मनी के एकीकरण के लिए भी बाधक था, और ऑस्ट्रिया को हराने के लिए सबसे बड़ा सहयोग दे सकता है फ्रांस, जहां पर नेपोलियन तृतीय शासक था। क्रीमिया का युद्ध हुआ था, किसका? क्रीमिया का युद्ध, क्रीमिया का युद्ध हुआ था, तो कैबूर ने अपनी 15,000 की सेना फ्रांस के सहयोग के लिए भेज दी, जबकि फ्रांस ने मांगी भी नहीं थी, उसको जरूरत थी आगे, ठीक है ना? तो नेपोलियन तृतीय बड़ा खुश हुआ, और इसके बाद क्रीमिया के युद्ध के बाद जब संधि हुई थी ना, तो कैबूर को भी बुलाया हुआ, तो कबूर ने अपनी समस्याओं का अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया और ऑस्ट्रिया को नीचा दिखाने का प्रयास कर दिया, यानी अपनी समस्याओं का अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया। तब नेपोलियन ने कहा, ये कबूर, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? फिर इस सहायता के संदर्भ में ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस उसको सहयोग देता है, ऑस्ट्रिया हार जाता है। हालांकि नेपोलियन तृतीय युद्ध में से बीच में से ही कट जाता है। खैर कोई बात नहीं, ऑस्ट्रिया हार गया, कुछ तो मिला ही होगा। इधर मेजिनी, गेरिबाल्डी, एक और कौन बचता है? गेरिबाल्डी। गेरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयं सेवका ने इस युद्ध में हिस्सा लिया और 1860 में वे दक्षिणी इटली और दो सिसिलिया के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। अब यूं समझ लीजिए कि अब एक्चुअली सामान्य भाषा में ये समझाता हूं मैं आपको कि गेरिबाल्डी घोर गणतंत्रवादी था। वो मतलब कि इतना डेडिकेटेड था जर्मनी के एकीकरण के, यानी इटली के एकीकरण के लिए, कि बस मत पूछो, मतलब सुबह अमल लेन तैयार रहते हो कि आज तो इटली, शाम तक एकीकरण तो मैंने करना करना। हाँ कहीं मतलब लट लैंड ढूंका, जो दो सिसिलियों को इटली में मिला लिया, और वो रोम पर आक्रमण करने वाले थे, तब ये जो कबूर था ना, कबूर उसके सामने आ गया, ऐसा नहीं कर सकते तुम, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? काबूर को पता था कि रोम पर आक्रमण होगा तो पूरी क्रिश्चियनिटी नाराज होगी और विशेषकर रोम का संरक्षक फ्रांस, तो फ्रांस सबसे पहले आक्रमण करेगा। तो काबूर को गुस्सा भी आया था कि मुझे इटली की रक्षा करनी है, किसे? गणतंत्रवादियों से और ऐसे पागलों से। कौन पागल? गेरिबाल्डी। सुबह आयो अमल ले, इटली में गालो शाह, ओ लो बड़े इटली में गालो, अबे भाई हमें रोम लावा दो, गाल दो इटली में। यस, कि मुझे इटली की रक्षा करनी है गणतंत्रवादियों से, विशेषकर ऐसे पागल से। पागल कौन? गेरिबाल्डी। ये नहीं गेरिबाल्डी, ठीक है ना? गेरिबाल्डी भी बड़ा दुस्साहसी, ठीक है ना? हालांकि जब उस, वो तो उसने कहा कि ठीक है सर, तुम्हारी मर्जी हो जैसे करो। वो अपने किसान था, अपने बीजा का थैला लिया और वापस खेती करने चला गया। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। चलिए 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया, मगर इटली के अधिकांश निवासी, जिनमें निरक्षरता की दर काफी ऊंची थी, अभी भी उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। दक्षिणी इटली में जिन आम किसानों ने गेरिबाल्डी को समर्थन दिया,
उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था क्या? इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था। वो तो क्या मानते थे, अब आप खुद समझ सकते हैं ना कि राष्ट्रवादी पर इटली क्या थी। इटली एक्चुअली में तो कुछ था ही नहीं, वहां के किसान जो गैरिबाल्डी के साथ थे, ला इटालिया करना, अपन ने जिसका करना लाटालिया करना, अब उनको पता ही नहीं था करना क्या, लाटालिया करना लो गैरिबाल्डी जी की, अपन ने अपन लाटालिया करा चंडबेन सामर बेन लुगाया पूछे लाटालिया है कौन, क्यों के वाह विक्टर इमैनुअल लुगाई लागे कहीं के नाम तो अंदर अंदर विक्टर इमैनुअल लुगाई है जो बा कोई फोड़ा में है, उनको ये पता ही नहीं था कि इटालिया इटालिया है क्या। समझ आ गई मेरी बात, मतलब इटली जैसा कोई कंसेप्ट था ही नहीं। ये तो भला हो मेजिनी का जिसने मस्तिष्क में इटली शब्द डाला। चलिए ब्रिटेन की अजीब दास्तान है। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं है। ब्रिटेन की एक अजीब दास्तान है, ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। 18वीं सदी के पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान नरजाति थी, यानी एथनिक यानी प्रजाति के रूप में। इन सभी जातीय समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वो द्वीप समूह के अन्य राष्ट्र पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र की ताकत छीन ली और इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ, यानी 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। उसके बाद ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा। एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। स्कॉटिश हॉलैंड्स के निवासी जिन कैथोलिक कुला ने जब भी अपनी आजादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्हें जबरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। स्कॉटिश हॉलैंड्स के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने या राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मना कर दी। स्कॉट में जो हॉलैंड के लोग रहते थे ना, उनमें बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया। काफी लोग जाकर अमेरिका में बस गए थे। अमेरिका में वही लोग थे जो ब्रिटिश परंपरा से नाराज थे। चलिए आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हसन हुआ। वो देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटा में गहराई में बटा हुआ था। कौन? आयरलैंड। आयरलैंड। अब इंग्लैंड का यहाँ नक्शा देखो ना, कहीं यहाँ बड़ा सा नक्शा देखो ना, ये देखो ना, ठीक है ना। अंग्रेजा ने आयरलैंड में प्रोटेस्ट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक धर्म देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया। वॉल्फ टॉन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन की अगुवाई में असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। सुनने वाली नहीं? एक नए ब्रिटानी राज्य का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्ह ब्रिटानी झंडा, ब्रिटानी झंडा क्या बोलते हैं, यूनियन जैक। ब्रिटेन झंडा को क्या बोलते हैं, यूनियन जैक।
भारतीय झंडा को क्या बोलते हैं? तिरंगा। राष्ट्रीय गान क्या है? गॉड सेव अवर नोबल किंग। गॉड सेव अवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया। पुराने राष्ट्र इस संघ में मातहत सहयोगी के रूप में रह गए, तो अब ये ग्रेट ब्रिटेन बन गया। ये यूनाइटेड किंग। चलिए लास्ट बात मैं आपसे जो करना चाहता हूं, राष्ट्र की दृश्य कल्पना। राष्ट्र की दृश्य कल्पना, कोई बुझे मार अपना में रहते राष्ट्र आयो, मार अपना में रहते राष्ट्र राष्ट्र आयो, क्योंकि उपयोग में बहुत दुखी। जैसे अरविंद घोष के अपना में भारत माता आवती, तो कहती मुझे बेड़िया से मुक्त कर दो। ये दृश्य कल्पना। किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है? 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न का हल किया। जैसे भारत माता बनी नहीं बनी, दूसरे शब्द में उन्होंने एक देश को कुछ यूं चित्रित किया जैसे कोई वो व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्र को नारी वेश में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया, वो असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। वो ये तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था। यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। भारत एक्चुअली भारत के प्रतीक के रूप में भारत माता नहीं उभरती। तो आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया गया। जैसा कि आपको याद होगा कि स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर है। स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर है। इंसाफ को आमतौर पर एक महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी और तराजू लिए हुए। इसी प्रकार के नारी रूपों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। ये सारे नारी रूप ही है। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियन दिया गया। क्या दिया गया? मारियन। ध्यान रखना, फ्रांस की नारी रूप राष्ट्र के रूप में कौन उभरी? मारियन, जिसने जनराष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र थे, लाल टोपी, तिरंगा और कलंगी। मारियन की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की यादें आती रहे, लोग उससे तादात्म्य स्थापित कर सके। मारियन की छवि सिक्का और डाक टिकटों पर भी अंकित की। इस तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। जर्मेनिया, समझ में आएंगे? जर्मेनिया। चाक्षुष अभिव्यक्तियां में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्ता का मुकुट पहनती थी, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक। तो ये एक थोड़ा सा सिनेरिया हुआ है राष्ट्र के बारे में। जैसे कुछ मैं उदाहरण देके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे ये टूटी हुई बेड़ियां किसका प्रतीक है? आजादी में। बाज छाप कवच जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति। बलूत पत्तियां का मुकुट बहादुरी। तलवार मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की छाप। और आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ में का लोगो क्या है, प्रतीक चिन्ह क्या है? ग्लोब है, ग्लोब के चारों तरफ जैतून की दो टहनियां, ठीक नहीं है? काला, लाल और सुनहरा तिरंगा तो 1848 में उदारवादियों ने बनाया था। उगते हुए सूर्य की किरणें क्या दर्शाती है? नए युग का सूत्रपात। ऑल द बेस्ट।